नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के निर्वाचित सभा सदस्य लोगों ने बताया कि विगत लगभग एक वर्ष से अध्यक्ष नगरपालिका अस्वस्थ होने के कारण लखनऊ में अपना इलाज करा रही हैं, जिसके कारण नगरपालिका में लगातार भ्रष्टाचार अवैध कार्य हो रहे हैं, जिसके संबंध में 7 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सब उपयुक्त बिंदुओं पर नगरपालिका परिषद आजमगढ़ की जाँच व उच्च स्तरीय कराई जाने की मांग की गयी। और मैं बदरके का सभासद हूँ। आज हम सारे सभासद लोग जो है नगरपालिका के सभी निर्वाचित सभासद यहाँ जो है डीएम साहब के पास आए थे अपनी शिकायत पत्र को लेकर के और जांच पत्र को लेकर के। शिकायत यह है कि नगरपालिका में इधर 1-1.5 साल से जब से अधिशासी अधिकारी डॉक्टर शिवनाथ प्रसाद जी और अमर अभियंता ओंकार पटेल जी आए हैं, तब से नगरपालिका में लगातार भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। अभी ताज़ा मामला ये है कि 2 नियुक्ति जो है बिना नियम और कानून के अधिशासी अधिकारी जो है 2 सफाई कर्मियों की नियुक्ति जो है कि कर दिया है और उनका भुगतान भी जारी कर दिया है। वो एक है। दूसरी जो है कि जो जांच के लिए हम लोग आए हैं कि जो निर्माण कार्य की कार्ययोजना बन रही है वो बिना बोर्ड की स्वीकृति के बिना बोर्ड पर पटल पर रखे हुए जो है कि वो कार्ययोजना स्वीकृत कराई जा रही है, उसकी आपत्ति को लेकर के हम लोग शिकायत करने माननीय अपर जिला अधिकारी महोदय जो कि नगरीय निकाय के भी अधिकारी हैं उनके यहाँ हम लोग आए थे। और अब आश्वासन हम लोगों ने दिया, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है कि हम इस पे जांच कराएंगे, ये उन्होंने कहा है। श्रीवास्तव, सभासद कटरा वार्ड। क्या समस्या है आप डीएम कार्यालय पर आ जाएं? डीएम कार्यालय हम लोग सारे नगर पालिका के सभासद कर लो लमसम साल भर से हम लोग लगभग दौड़ रहे हैं और नगरपालिका की समस्या को लेकर, नगरपालिका में टोटल भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त हो चुके हैं निर्माण विभाग के बाबू, निर्माण जी और शासी अभियंता अधिकारी, उस पर निष्पक्ष हम लोग जांच चाहते हैं। निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो आगे हम लोग को 3 साल इसी तरह बीत गया है और यही कंडीशन रही तो हम लोग अपने खुद पद से इस्तीफा भी देंगे आगे।